हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को देखा था, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। लगभग एक या दो न्यूमेरिकल और रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर आपका लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैं चॉक ले लूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको कॉलम के बारे में पढ़ा जाता है, कॉलम की स्टडी कर रहे थे। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा दिए थे रैंकाइन के, सॉरी आइलर्स के फार्मूले पे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा दिए थे। अभी मैंने आपको रैंकाइन पे कोई भी फार्मूला, रैंकाइन फार्मूले पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगाया था, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, अगला न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक ढलवा लोहे के बने ठोस स्तंभ की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है। एक ढलवा लोहा का स्तंभ है, एक कॉलम है, ठीक है, जिसकी लंबाई 5 मीटर है और व्यास जिसकी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या है, इसका एक सिरा स्वतंत्र तथा दूसरा सिरा बद्ध है। इसका एक सिरा क्या है, स्वतंत्र, एक फ्री है, दूसरा क्या है, फिक्स है। यदि सुरक्षा गुणांक 5 हो तो सुरक्षात्मक भार ज्ञात करो। सुरक्षा गुणांक यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दे दिया गया है और बोल रहा है कि सुरक्षा, सुरक्षात्मक भार ज्ञात करना है, ठीक है। बोल रहा है सुरक्षात्मक भार ज्ञात करना है और बोल दिया कि रैंकाइन का सूत्र का उपयोग करते हुए ए का मान आयलर के सूत्र के लिए 1/1800 लीजिए तथा ई का मान 190 GPa जीपीए लीजिए, ठीक है। तो निवेदन देखिए क्या है, ठीक। में क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक ढलवा लोहे के बने स्तंभ की लंबाई 5 मीटर है, तो लंबाई 5 मीटर है और अभी क्या दे दिया है, इसका व्यास है, ठीक है। व्यास डी का वैल्यू क्या दे दिया गया, 18 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया, इसका एक सिरा बंद था, दूसरा सिरा मतलब एक फिक्स है, दूसरा फ्री है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां 2 है, ठीक है। 2/5 यानी कि 10 मीटर, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया गया और ज्ञात क्या करना है, तो सेफ लोड ज्ञात करना है। सेफ लोड ज्ञात करना है किस फार्मूले से, रैंकाइन के फार्मूले से। ए का मान कितना दे दिया गया है, 1/1800 ए का मान दे दिया गया है और ई का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 190 GPa ई का वैल्यू दे दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, यूनिट एक कर लेना है, यूनिट किसी एक चीज में कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर रखी है, मीटर में कर रखी है, तो बाकी वैल्यू भी हम मीटर में कर लेते हैं। सॉरी, डाया का वैल्यू 15 दिया है, 15। तो ये जब मीटर में एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.15, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, जो हमारा फार्मूला है आयलर्स का, जो हमारा फार्मूला होता है, हम इसमें आयलर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। आयलर के फार्मूला को लगाने के लिए हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। ई का वैल्यू हम चेंज कर लेंगे 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी ई की वैल्यू यहां से आ गई, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, रैंकाइन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा सी इनटू ए 1 + (l)a / (k)² ये इसका फार्मूला होता है। इसमें हमको देखिए क्या है, इसमें हमको सिग्मा सी की वैल्यू नहीं पता है, ए की वैल्यू नहीं पता है और इसमें काफी सारी चीजों की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। हमको एल ई का वैल्यू नहीं पता है, सॉरी एल ई का वैल्यू पता है हमको, इसमें के का वैल्यू नहीं पता है, स्मॉल ए का वैल्यू पता है,
तो इन सारी चीजों को हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हम के का निकालते हैं। के बराबर हमारा क्या होता है, आई अपान ए। के इक्वल टू क्या होता है, आई अपान ए। तो इसके लिए हमको आई का फार्मूला ज्ञात करना होगा और ए का ज्ञात करना होगा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, के इक्वल टू आई अपान ए हो जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको आई भी ज्ञात करना है, हमको ए भी ज्ञात करना है। ए ज्ञात करेंगे तो ए यहां भी यूज हो जाएगा, ए यहां भी यूज हो जाएगा। और सिग्मा सी का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो सिग्मा सी हम कैसे ज्ञात करेंगे, सिग्मा सी ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है ए इक्वल टू सिग्मा सी पाई स्क्वायर ई। पाई स्क्वायर ये फार्मूला है, तो यहां से ए का वैल्यू दे रखा है ये हमको, तो यहां से सिग्मा सी पता हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, वन बाय वन फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.01716 मीटर का स्क्वायर के लिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई बाय 64 डी के पावर 4। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आ रही है 2.48 × 10⁻¹⁵। ठीक, यहां से ए की वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू मिल गई, हमको दो चीज की वैल्यू मिल गई। के इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए अंडर रूट में। आई की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू क्या आई, तो यहां से के की वैल्यू हमको लगभग मिल जाएगी 0.03। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0.03। ठीक है, अब हमको के की वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू यहां से हमको मिल गई है और हमको ए का भी वैल्यू मिल गया है। हमको दो चीज की वैल्यू मिल गई है, के की वैल्यू और ए की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हमको क्या करना है, हमको सिग्मा सी का भी तो वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिग्मा सी की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम उस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। सिग्मा सी का जो फार्मूला होता है तो उसको अप्लाई करते हैं। सिग्मा सी इक्वल टू यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमको यहां से सिग्मा सी की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा सी की वैल्यू आएगी 1.04 × 10⁻¹⁹। ये जब हमको सिग्मा सी का वैल्यू मिलता है, अब ये सारी वैल्यू को हमको क्या करना है, रैंकाइन के फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक,
सिग्मा सी की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 0.0176। स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? 1/1800 मल्टीप्लाइड बाय एलई अपॉन के। एलई की वैल्यू क्या है? एलई की वैल्यू क्या है? 10 मीटर है। के का वैल्यू क्या है? 0.038 का। यहां से क्या मिल जाएगा? पीआर की वैल्यू मिल जाएगी। पीआर की वैल्यू लगभग आ रही है 7.47 आ रही है किलोमीटर। मैंने इसको किलोमीटर में चेंज कर रखा है, जो भी वैल्यू आई होगी उसको मैंने क्या कर रखा है? किलोमीटर में से चेंज कर रखा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई पीआर की वैल्यू। अब हमको क्या याद करना है? हमको सेफ लोड याद करना है। तो सेफ लोड के लिए फार्मूला क्या होता है? सेफ लोड के लिए फार्मूला क्या होता है? पी अपॉन फैक्टर आ सकते हैं। अब यहाँ पे पी हो सकता है या फिर पीसी हो सकता है या फिर पीआर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी लोड हो सकता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 447/5। यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू आ रही है 59.4। ये हमारा कैसा होगा? सेफ लोड होगा। इस लोड पे किसी भी प्रकार की कोई फेलियर नहीं होगी। सेफ लोड ऐसा लोड होता है जिसपे किसी भी प्रकार का कोई भी फेलियर नहीं होता है, ठीक है ना? तो सेफ लोड ये हमारा हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? लोड की यूनिट क्या होगी? किलोमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको काफी इंपॉर्टेंट मेरे में, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, एक कॉलम दिया था, सर्कुलर कॉलम दिया था, उसकी लंबाई कितनी दे दी थी? लंबाई 5 मीटर दे दी थी, और उसका डायर कितना दिया था? 0.15 मीटर, ठीक है? और दे दिया था कि एक सिरा बंद है और दूसरा सिरा फ्री है, तो उसके लिए क्या होता है? एलई बराबर 2L होता है। 2L यहाँ से आ गया। बोल रखा था कि जो सुरक्षा गुणांक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 5 है, और जो सेफ लोड है वो निकालना था। ए और ई का वैल्यू दिया रखा था। ये गीगा पास्कल था, पास्कल मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और गीगा का मतलब होता है 10^9। तो इन चीजों को निकालने के लिए यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू, ए की वैल्यू और के का वैल्यू नहीं दिया था। इन तीनों चीजों की वैल्यू पहले हमको क्या करनी पड़ेगी? फाइंड करनी पड़ेगी। ए का वैल्यू π/4d², यहाँ से ए का वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है? आई की वैल्यू होती है π/64d^4, यहाँ से आई की वैल्यू मिल गई। k√2 में i/a होता है, अंडर रूट, ठीक है? तो यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल गई। अब सिग्मा सी हमको फाइंड करना है, तो आपको पता है कि स्मॉल ए बराबर क्या होता है? सिग्मा सी अपॉन π²d, वहां से हमको क्या हुआ? सिग्मा सी की वैल्यू मिल गई। अब जब सिग्मा सी की वैल्यू मिल गई, तो सिग्मा सी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया, हमको यहाँ पे पीआर का वैल्यू मिल गया। पीआर का वैल्यू हमको जो मिलेगा वो न्यूटन में मिलेगा, ठीक है? तो इसको मैंने क्या कर दिया? किलो न्यूटन में चेंज कर दिया, ठीक है? अब यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से हमारा सेफ लोड इक्वल टू होता है पीआर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लोड हमारा कितना है? 447, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है, वहां से हमारा सेफ लोड का वैल्यू निकल गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। जल्दी नोट करिए, तो बाकी और न्यूमेरिकल बताता हूँ, ठीक है? अभी रज करता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए ना, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना? न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ। इस्पात की एक नलिका जिसका बाहरी तथा आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर है,
तथा यह स्ट्रट की तरह प्रयोग हो रहा है। इसको कैसे प्रयोग किया जा रहा है? ऐसे कॉलम सीधा होता है, कॉलम ना करके ऐसे में स्ट्रट के रूप में प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना, स्ट्रट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसके दोनों सिरे क्या है, कब्जेदार है, मतलब दोनों क्या है, हिंज है। बोथ बोथ जो उसका एंड होगा वो कैसा होगा, हिंज प्रकार का होगा, ठीक है। स्ट्रट की लंबाई ज्ञात करिए, मतलब स्ट्रट की लंबाई ज्ञात कर रही है, ठीक है, एल की वैल्यू ज्ञात करनी है। आयलर और रैंकाइन के सूत्र से क्रिपलिंग भार का मान ज्ञात करिए, मतलब आयलर का भी फार्मूला लगाना है और रैंकाइन का भी फार्मूला लगाना है, दोनों का फार्मूला का लगाते हुए हमको क्या करना है, क्रिपलिंग भार का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और आगे बोला है, यदि आयलर और रैंकाइन के सूत्र से क्रिपलिंग भार का मान एक ही हो, तब एक मतलब आयलर और क्रिपलिंग का जो वैल्यू आ रहा है वो दोनों का वैल्यू एक आ रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है, तो उसके अनुसार क्या होगा, तो सेम ही हो तो E बराबर 200 गीगा पास्कल है। रैंकाइन सूत्र में अचर क्रम से है, मतलब जो E की वैल्यू दे दी गई है, सिग्मा C की वैल्यू दे दी गई है, वो 330 मेगा पास्कल तथा A की वैल्यू 1/750। तो इसमें क्या दे रखा है, जो रैंकाइन और यूलर्स का फार्मूला है ये दोनों लगभग क्या है, सेम है, और हमको क्या ज्ञात करना है, हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, इस्पात की एक नलिका, चलो इस्पात की एक नलिका बनाते हैं, नलिका हमारी ऐसे ही कुछ होगी, ये हमारा इनर डाया हुआ है और ये हमारा आउटर डाया हुआ है, ठीक है। इनर डाया बोल रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 2.8 और ये दिया है 4। तो ऐसा करते हैं, DO मतलब क्या, आपके आउटर डायमीटर ये कितना दिया है 4 और यहाँ पे DI कितना दिया 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इंटरनल डायमीटर आउटर डायमीटर क्या ज्ञात करना है, इसमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। क्या बोल दिया है, बोथ एंड जो है इसका, बोथ एंड जो है इसका वो हिंज है, जब दोनों हिंज होते हैं तो एल की वैल्यू क्या हो जाती है, L/√2 हो जाती है, L/√2 हो जाती है, ठीक है। और आगे क्या बोल रखा है, आयलर और रैंकाइन का मान बराबर है, मतलब PE और PR क्या रखा है, PE और PR को बराबर कर रखा है, इनका वैल्यू दे दिया है 200 गीगा पास्कल, स्मॉल ए का वैल्यू दे रखा है 1/75 और सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा सी में थोड़ा अच्छा है, सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है 330 गीगा पास्कल, सॉरी मेगा पास्कल, ठीक है। ये चीजें हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले किसी एक यूनिट में हम सबको चेंज कर लेते हैं, या तो मिलीमीटर में या तो किसी एक चीज में हम सबको चेंज कर लेते हैं। तो चलिए मिलीमीटर में कर लेते हैं, 4 की जगह यहाँ पे 40 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर इसका उपयोग बाद में आएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 200 × 10^9 और ये क्या होगा 10^6, नीचे रहेगा 10^6 या माइनस में जाएगा, न्यूट्रल पर रहेगा वैसे कुछ, तो यहाँ से वैल्यू रहेगी 200 × 10^3 न्यूट्रल पर रहेगा वैसे कुछ। इसको क्या करना है, इसको भी चेंज करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 330 मेगा मतलब 10^6, ठीक है, 10^6 और 10^ यहाँ पर -6 जो मीटर का होगा वो कट जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा 330 × 330 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये वाली चीज होगी। अब हमको क्या बोला, हमको बोला है जो आइलेट्स का जो फार्मूला है रैंकाइन के फार्मूले के बराबर है। आइलेट्स का क्या फार्मूला होता है, पाई स्क्वायर ई आई एल ई अपान के का होल स्क्वायर, ठीक। आइलेट्स का फार्मूला ही होता है पी इक्वल टू ई आई पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई एल ई अपान के का होल स्क्वायर, सॉरी एल ई का स्क्वायर होता है,
हल्दी का इसका होता है, यहाँ ए होता है तब होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सी इंटू ए वन प्लस स्मॉल ए वन प्लस स्मॉल ए एलडी अपॉन के का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले हो गए, ये दोनों क्या हो गए आपके फॉर्मूले हो गए। अब इन किन किन चीजों की वैल्यू हमको नहीं पता, हमको आई की वैल्यू नहीं पता है, ए की वैल्यू नहीं पता है, तो पहले ए और आई याद करते हैं। ठीक है, आइए ये याद करते हैं। एरिया कैसे याद करता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पे दो डायग दिया है तो क्या हो जाएगा, डी ओ स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। तो पाई बाय 4 क्या दिया है, 40 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। ए की वैल्यू आ जाएगी लगभग 641 किलोमीटर स्क्वायर, 641 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या है, ए की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमको मिल गई। दूसरी वैल्यू क्या होती है, आई की होती है। आई का फॉर्मूला क्या है, पाई बटा 64 डी के पावर 4 होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री दे रखा है, तो आउटर माइनस इनर और दोनों के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बटा 64 40 के पावर 4 माइनस 28 के पावर 4। ठीक, यहां से आई की वैल्यू हमको मिल जाएगी, आई की वैल्यू मिल जाएगी 95492 मिलीमीटर के पावर 4। यहां से हमको क्या मिल गया, आई का वैल्यू, आई की वैल्यू मिल गई। आप यहां देख सकते हैं हमको यहां पे के का वैल्यू चाहिए, तो के बराबर क्या होता है, रूट में आई बाई ए, आई बाई ए होता है अंडर रूट। आई की वैल्यू क्या है, 95492। आई अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 641। हमको यहां से के की वैल्यू मिल जाएगी 12.20। के क्या मिल जाएगा, 12.20। ठीक, अब हमको ये इक्वेशन पता है, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अभी मेरे पास जगह थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। सारी वैल्यू को पुट करते हैं, क्या 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 ज्ञात करना है हमको, एल की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, यहाँ से एल ई ज्ञात करनी है। ठीक है, जब एल ई आ जाएगी, एल ई बराबर एल अपॉन टू, एल अपॉन टू होता है, तो वहां से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पाई स्क्वायर, ई का फॉर्मूला क्या है, 10^3। आई की वैल्यू क्या है, 95492। ठीक, एल स्क्वायर हमने कुछ कर दो। अब देखिए, अभी हमने सिग्मा सी भी नहीं ज्ञात किया है, अभी हमने सिग्मा सी भी नहीं ज्ञात किया है, तो हमको सिग्मा सी भी ज्ञात करना होगा। जिस तरीके से हम आपको बताए थे उसी तरीके से हमको क्या करना, नहीं सॉरी, सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है 330। ए का वैल्यू दे रखा है 641, 1 प्लस ए का वैल्यू दे रखा है 1/75 मल्टीप्लाइड बाय एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। तो पहले हो जाएगा एल ई का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर, के का स्क्वायर यानी 12.20 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक चीजों को हम सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाले वैल्यू को हम सारा सॉल्व कर लेते हैं।
पूरे ऊपर वाले वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे। चूंकि ये कैलकुलेशन बड़ा इसलिए मैं बता देता हूँ, 200 मल्टीप्लाइड बाई 95492, ठीक है, इसको टू करेंगे आ जाएगा 1.90 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 9, 10 to power 9। सो पाई का भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाई पाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई, ठीक, तो आ रहा है वैल्यू 9, 5, 4, 9, 2 आ रहा है वैल्यू 1/75 को मैं इसके साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है ना, 1/75 की वैल्यू आ गई है, मैं इसको लिख देता हूँ 1/75 की वैल्यू इतनी आ गई, बट इसका स्क्वायर कर लेता हूँ 12.20 कैलकुलेशन कुछ मेरे पास है तो मैं यहीं से कर लेता हूँ, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1.69 × 10⁵5, ठीक, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें इसमें किए, फिर इस टर्म में किए और इसका मल्टीप्लाई से किए, तो ये वाली वैल्यू आ गई कुछ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
2.11 इंटीग्रेट टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय अल्ली स्क्वायर बटे ये हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को रहने देते हैं। ठीक है, आंसर ये है। अगर बोल देता कि दोनों सिरे कब्जेदार हैं, तो दोनों सिरे कब्जेदार हैं बोल देता तो क्या होता? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप देखिए ध्यान से। क्या है, दोनों सिरे कब्जेदार हैं ना, बता एलडी की वैल्यू एल के बराबर होगी, एलडी की वैल्यू एल के बराबर होगी, तो ये सब करने का मुझे आवश्यकता नहीं है, ये सब करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एलडी की वैल्यू एल के बराबर है, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स इक्वल टू एल, यही बराबर। मैंने देखा नहीं, बुक में दिया है एलडी बराबर एल है, ठीक है, तो इट्स इक्वल टू यही समझा, बाकी आप सॉल्व करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल काफी आसान है, लेकिन यही है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल काफी आसान है, बिल्कुल भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा करने में, लेकिन सिर्फ एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आपका कहीं मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि क्या है, ये काफी ज्यादा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल होते हैं, इस वजह से कैलकुलेशन कभी आपका गलत ना हो। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एक कॉलम दे दिया था, खतरा कॉलम था, इसकी लंबाई ज्ञात करनी थी, बाहरी लंबाई
1.8 सेंटीमीटर, इसको मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। और बोल रहा था कि जो आइलर्स फार्मूले से जो लोड आएगा वो रैंकाइन की फार्मूले से जो लोड आएगा उसके इक्वल टू होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, e की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज कर लिया। कैसे चेंज किया, गीगा का मतलब होता है 10^9, अब जब पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर को आप एमएम स्क्वायर में बदलेंगे तो 10^6 होगा और ऊपर आएगा तो 10^-6 हो जाएगा, इसीलिए ये स्थिर कट जाएगा तो यह 3 हो जाएगा। सेम मैंने a की वैल्यू को चेंज कर लिया है, अब मैंने यहां पे एरिया निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, उसके बाद मैंने k का वैल्यू निकाल लिया। जब इन सारी चीजों की वैल्यू निकाल ली तो वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद हमको le का वैल्यू मिल गया, le की जो वैल्यू है वो h के बराबर है, तो यहां से हमको ये सारी वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं नेक्स्ट वेरिएबल के लिए। एग्जाम में आपको इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, इससे थोड़े आसान मिलेंगे, लेकिन चूंकि मैं आपको चाह रहा हूं कि ये सारे लेवल करवा दूं जिससे आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मिलता देखिए। मृदु इस्पात की 28 मिलीमीटर व्यास की छड़ को ठीक है ढांचे में स्ट्रट के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है, रैंकाइन तथा आयलर के सूत्र से भारों के मान समान के लिए स्ट्रट की लंबाई ज्ञात करें। इसमें भी क्या करना है, सेम न्यूमेरिकल है, एग्जैक्ट इसी तरह होगा, इसमें भी क्या करना है, स्ट्रट की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वैल्यू मैं फटाफट लिख देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। इसमें क्या लिया, इसमें टोटल है, इसमें पूरा ले लिया, इसमें पूरा एक ले लिया, इसकी व्यास क्या है 28 मिलीमीटर है, तो डी की वैल्यू क्या है 28 मिलीमीटर। बोल दिया ढांचे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और भारों के मान समान ज्ञात करें। ठीक है, इसकी वैल्यू दे दिया है, सिग्मा सी की वैल्यू दे दिया है, ये सारी वैल्यू दे दिया है। तो सेम हम उसी न्यूमेरिकल की तरह करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेंगे। गीगा पास्कल को क्या लिख सकते हैं, 240 × 10^9, ये 9 आएगा ठीक, और यहां से 6 आएगा, तो यहां क्या बचेगा 10^3, मैं डायरेक्ट चेंज कर ले दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 358 का 358 ही रह जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैं आपको बहुत पहले भी ये चीज बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से क्या काम कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया क्या होता है, π/4d² यानी 28 स्क्वायर, यहां से एरिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड कर लेते हैं, π/64 × d^4 यानी 28 4, तो यहां से एरिया की वैल्यू आ जाएगी लगभग 616 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया। I की वैल्यू लगभग आ गई है 371 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों चीज की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू, k इक्वल टू क्या होता है, I वही है, तो I की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, सॉरी k की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 371/616, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी लगभग 7 आ गई, k की वैल्यू 7 आ गई। अब हमको यहां पे क्या हुआ, मैक्सिमम चीजें यहां पे मिल गई, सिग्मा सी का भी वैल्यू दे रखा है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ वही चीज करना है, पी बराबर पी की वैल्यू क्या होगा, π/pi(l²), यहां पे एल और एल नहीं दे रखा है। ठीक है, तो एल की वैल्यू एल के बराबर होगी, कुछ नहीं रखा है, सिग्मा सी इंटू ए
वन प्लस ए एलई अपॉन के का होल स्क्वायर। एलई की वैल्यू यहाँ पे एलई है तो कुछ दिया नहीं है तो इसलिए हमने मान लेते हैं। यहाँ पे क्या करिए पाई स्क्वायर ई की वैल्यू क्या है 240 इनटू 10 टू द पावर 3 ये ई की वैल्यू है। आई की वैल्यू क्या है 3017 एल स्क्वायर तो हमको ज्ञात करना है सिग्मा सी की वैल्यू क्या है 358 ए का वैल्यू क्या है 616 ए का वैल्यू क्या है 1/75 स्मॉल ए का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा के स्क्वायर। के का वैल्यू क्या है 7 है 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 ठीक। अब आप इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज में डायरेक्ट बता देता हूं क्या क्या है 7.14 × 10⁵ अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 10⁵ ठीक। और आगे है 1 + L² / 3.67 × 10⁵ ये वैल्यू है ठीक है। अब आप इसको क्या करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं 3 7.14 × 10⁵ ठीक। ये इसमें कुछ प्लस जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा L² upon 1.9948 इक्वल टू